नमस्कार। कालिदास संस्कृत अकादमी और संस्कृति परिषद द्वारा किए जा रहे गमक कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं भगोरिया और पाली नृत्य। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले आमंत्रित करता हूं कालिदास संस्कृत अकादमी के प्रभारी निदेशक डॉक्टर संतोष पंड्या को, वो आए और स्वागत उद्बोधन दें। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महती महीयताम। नमस्कार। गमक श्रृंखला के अंतर्गत आज होने वाली प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। हमारी संस्कृति के दो मूल आधार हैं, लोक और शास्त्र। लोक से ही शास्त्र की निर्मिति हुई है। महाकवि कालिदास शास्त्र धर्मी कवि हैं, उनकी रचनाएं शास्त्रों पर केंद्रित है। और जो लोक की परंपरा है, हमारे पूरे प्रदेश में अनेक अंचल ऐसे हैं जहां लोक के कलाकार अपनी संस्कृति का संरक्षण किए हुए हैं। आज हम मध्य प्रदेश के जो आदिवासी अंचल है, जनजातीय अंचल है, उस क्षेत्र के कलाकारों की प्रस्तुति को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ये कलाकार जो परंपरा से लोक नृत्य है उसका संरक्षण करते चले आ रहे हैं और आज इस मंच से हमारे सम्मुख उन्हीं प्रस्तुतियों को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आज हमारे बीच धार जिले से दो दल उपस्थित हुए हैं, श्री कैलाश सिंह सिसोदिया जो भगोरिया नृत्य की प्रस्तुति करेंगे और श्री अमर सिंह गुनेरा जो जनजातीय पाली नृत्य है उसकी प्रस्तुति करेंगे। इन प्रस्तुतियों के रसास्वादन के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं सभी सुधी दर्शकों, श्रोताओं का और सभी कलाकारों का। तो लीजिए, प्रस्तुत है भगोरिया और पाली नृत्य की प्रस्तुति। धन्यवाद डॉक्टर संतोष पंड्या जी। तो आइए ले चलते हैं आपको प्रथम प्रस्तुति की ओर। प्रथम प्रस्तुति है भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य जनजातीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें युवतियाँ हाथ में करौंदी, गले में हार, पाँव में रमझोल और हाथ में रुमाल लेकर लड़कियाँ सज धज कर मांदल की थाप पर भगोरिया नृत्य करती हैं और युवकों के हाथों में तीर कमान, पाँव में घुंघरू, सिर पर सांपा और कमर पर बांडी घाघरी लेकर मांदल, शहनाई, ढोलक, थाली के साथ नृत्य किया जाता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है ग्राम झाबा जिला धार के जनजातीय कलाकारों द्वारा भगोरिया नृत्य। Yeah.
अभी आपने भगोरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति देखी, जिसे प्रस्तुत किया था श्री कैलाश जी सिसोदिया एवं समूह ने। मंच पर जो कलाकार थे, मैं आपका परिचय कराता हूँ। अजय, प्रताप सिंह, नीलेश, लाल सिंह, कलम सिंह, रेलम, रवीना, पिंकी, अंतर, राधा एवं साथी कलाकार। संगतकार थे अमर सिंह शहनाई पर, दिलीप मांदल पर, कैलाश शहनाई पर, मनिया ढोलकी पर और पुनर सिंह थाली पर। तो चलिए चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर, जिस नृत्य का नाम है पाली। पाली नृत्य जनजातीय समुदाय द्वारा शादी ब्याह के अवसर पर युवक युवतियों द्वारा सज धज कर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में किया जाता है। इस पर युवक युवती हाथ में रुमाल और पांव में घुंघरू बांधकर, खास करके युवक मांदल, ढोलक, थाली, शहनाई बजाते हुए साथ में नृत्य करते हैं। तो आइए, प्रस्तुत है पाली नृत्य। We'll be right back.
अभी आपने पाली नृत्य की प्रस्तुति देखी, इसको प्रस्तुत करने वाले कलाकार थे अमर सिंह गुनेरा, ग्राम उड़ू, झेता जिला धार के वीरेंद्र, प्रभु, अजय, प्रताप सिंह, नीलेश, लाल सिंह, बबीता, सेवंता, रेलम, रवीना, पिंकी एवं साथी कलाकार। संगतकार थे पुनर सिंह थाली पर, कैलाश शहनाई पर, दिलीप मांधल पर, मनिया ढोलकी पर और अमर सिंह शहनाई पर। मैं अब कालिदास संस्कृत अकादमी के डॉक्टर संदीप नागर को आमंत्रित करता हूं, वे आए और आभार व्यक्त करें। धार जिले से हमारे बीच पधारे जनजाति कलाकारों द्वारा अभी हमारे समक्ष मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। मैं इस दल के प्रमुख श्री कैलाश सिंह सिसोदिया एवं अमर सिंह गुनेरा एवं समस्त कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप सब लोग जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, मैं आप सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।